नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। सो दिस इज़ लवजीत अरोरा, स्वागत है आपका टेक क्वीन चैनल के ऊपर। तो बच्चा, बढ़ते हैं हमारे सफ़र की तरफ और हमारा सफ़र हमें लेकर के जा रहा है अगली क्रिएशन डेटा फ्रेम की। तो बच्चा, यहाँ पर मैं आपको डेटा बेस जो डेटा फ्रेम है वो मैं आपको क्रिएट करना बताऊँगी डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ के थ्रू, ठीक है। तो यस, आपने अभी अभी सीरीज सीख लिया है और आपको डिक्शनरी भी आता है, तो बस सीरीज़ बनाओ, उसको डिक्शनरी के अंदर पास करो और फिर उस डिक्शनरी को डेटा फ्रेम में पास कर दीजिए। चलिए, अगर आपको कंसेप्ट थोड़ा सा भी समझ में आया तो हम वही कंसेप्ट करेंगे। तो इम्पोर्ट करेंगे पांडाज एज पीडी यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर अपनी सीरीज़ वन ले लेती हूँ, तो सीरीज़ का नाम मैं नेम दे देती हूँ, ठीक है, नेम। अब मैं यहाँ पर पीडी डॉट सीरीज़, अब सीरीज़ के अंदर बच्चा मैं क्या करती हूँ, सीरीज़, ओके। सो मैं नाम देती हूँ, लेट सपोज राजा, रानी, एनीथिंग, कुछ भी, ज्योति, और मैंने रोल नंबर ले लिया, ठीक है। सो यहाँ पर रोल नंबर, राइट, तो मेरे पास में इनके रोल नंबर ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है। अब इनके मार्क्स की एक सीरीज़ बना लेते हैं, राइट। तो मार्क्स इनके कुछ भी एंटर कर दो आप, नहीं खैर 0 तो नहीं देंगे हम। सो ये मेरी सीरीज़ तीनों की तीनों बन गई। अब मेरे पास में ना बहुत सारे ऑप्शन हैं कि मैं अब यहाँ पर डिक्शनरी ऐसे बना करके और उसके अंदर उसकी कीज़ लूँगी और डिक्शनरी पहली जो सीरीज़ थी वो पास कर दूँगी। फिर मैं यहाँ पर रोल नंबर अपना ले लूँगी, यहाँ पर रोल नंबर, ठीक है। और अब मैं उसके अंदर रोल नंबर पास कर दूँगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मार्क्स ले लेती हूँ, ठीक है, मार्क्स ले लेती हूँ, ठीक है, मार्क्स, ठीक है, मार्क्स ले लेती हूँ, ठीक है। अब मैंने मार्क्स ले लिया बच्चा, अब मैं क्या करूँगी, डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम इज इक्वल्स टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम, राइट। अब मैं डिक्शनरी को उसके अंदर पास कर देती हूँ, सो लाइक हाउ, डिक्शनरी मेरी पास हो गई। अब मैं क्या करूँगी, प्रिंट कर दूँगी इसके अंदर, सॉरी, प्रिंट और डेटा फ्रेम, राइट। सो लाइक हाउ वी हैव क्रिएटेड, बस आपकी जो सीरीज़ है उसके थ्रू आपने यहाँ पर डेटा फ्रेम को क्रिएट कर दिया, सीरीज़ डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ है ना। तो पहले आपने देखो तीन सीरीज़ बना ली, अब उसको आपने एक डिक्शनरी में पास कर दिया। आपको पता है डिक्शनरी की जो कीज़ होती हैं वो बनती हैं हमारा यहाँ पर कॉलम, ठीक है। तो यस, आपने अब डिक्शनरी को यहाँ पर पास कर दिया और आपका आंसर है जो आ गया इसके अंदर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। अब आप ऐसा भी कर सकते थे, कैसा, जैसे मैं इसको कट करूँ और मैं यहाँ पर, एक सेकेंड बच्चा, मैं यहाँ पर इसको कर दूँ, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वे थ्रू दैट यू कैन डू द सेम थिंग, इंस्टेड ऑफ पासिंग दिस इन टू अ सिंगल वेरिएबल, वट यू कैन डू, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। सो लाइक हाउ वी हैव डन, पहले आपने सीरीज़ बनाया, फिर उसने आपने उसको डेटा फ्रेम के अंदर डिक्शनरी के अंदर पास है जो कर दिया, ठीक है। तो यस, बहुत सिंपल है चीज़ें। आपको मतलब कह लो कि डेटा फ्रेम क्रिएट करना है तो उसके लिए आपका जो बेस है वो लिस्ट होना चाहिए, आपका जो बेस है वो डिक्शनरी होना चाहिए और आपको सीरीज़ भी अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो ऑफकोर्स आप क्रिएशन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ज़रा ज़रा सी तो चीज़ें हैं यहाँ पर, हाँ, कोई इतनी बड़ी मतलब चीज़ें नहीं हैं कि जो आप ना सीख पाओ। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, जस्ट नीड है प्रैक्टिस की। कब आप अपनी प्रैक्टिस है जिसको आप शुरू करते हो और चीज़ें इजी बनती हैं आपके लिए, ठीक है। तो फिर चलिए बच्चा, आपको मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर।
ठीक है, तो जाते जाते मैं आपको अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल के बारे में बता दूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी डाला हुआ है। सो यस बच्चा, यहाँ पर आपको मेरा जो, आप मुझे अगर फाइंड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर टाइप कीजिए अनअकैडमी, और अनअकैडमी की वेबसाइट के अंदर आप मुझे ढूंढ सकते हैं, क्योंकि मैं अनअकैडमी पर प्लस और वेरीफाइड एजुकेटर हूँ फॉर क्लास 11th और 12th के लिए। और अगर आप मेरी प्लस क्लासेस देखना चाहते हैं या फिर फ्री क्लासेस भी देखना चाहते हैं जो अनअकैडमी के ऊपर है, तो आप फ्री क्लासेस में मेरा ही नाम भर के लवजीत अरोड़ा विदाउट स्पेस या फिर LA Live फिल करके आप मेरी क्लास में आ सकते हैं। और अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप उसके लिए भी मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे कोड के थ्रू आपको पूरा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये सारी बातें हुई, अब मिलेंगे आपको अगले लेक्चर के अंदर, जिसमें मैं डेटा फ्रेम को ही क्रिएट करना बताऊंगी, और किस तरीके से क्रिएट करेंगे वो हम लोग अगले सेशन के अंदर देखेंगे। सो बाय बाय।